आपने कहावत तो सुनी होगी, दूर के ढोल सुहाने। बस कुछ इसी तरह उधर पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं, और इधर भारत की लेली गैंग का कहना है कि पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स भारत से भी ऊपर है। अब आप ही बताइए, जिस देश में लोग खाने को लेकर तरस रहे हैं, उस देश में खुशियां कैसे रहेंगी। पाकिस्तान में चल रहा खाद्य संकट यानी कि फूड शॉर्टेज हर बीतने वाले दिन के साथ गंभीर होता जा रहा है। देश भर में गेहूं की अब तक की सबसे ज्यादा कमी देश को अराजकता की ओर ले जा सकती है। पाकिस्तान के बिगड़ते आर्थिक संकट यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण गरीब नागरिक महीनों से महंगाई और खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। पाक की एक PMM की रिपोर्ट के अनुसार महंगाई से त्रस्त कमजोर लोगों को उबरने में लंबा समय लगता है, और खाद्य संकट देश के गरीबों के फ्यूचर को और भी ज्यादा गर्द में ढकेल रहा है। आगे रिपोर्ट में बताया गया कि बढ़ती महंगाई ने आटे के संकट को और भी दुखद बना दिया है। समोसा और पकोड़े जैसे साधारण स्नैक्स की कीमत इतनी ज्यादा है कि गरीब लोगों की पहुँच से दूर हो गए हैं। हर दिन राशन के लिए सरकारी दुकानों के बाहर लाइन लगाने के बावजूद लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। द पाकिस्तान मिलिट्री मॉनिटर के मुताबिक सरकारी दुकानों पर सब्सिडी वाला गेहूं मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसे ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है या अमीर लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में खरीद लिया जाता है। मुख्य अनाज की कमी बढ़ती कीमतों में तब्दील हो रही है, जो हर हफ्ते नई ऊंचाई छू रही है। अब ऐसे में ना लोगों के पास पैसे बच रहे हैं और ना ही दुकानों में खाने का सामान, तो अब लोग क्या कर सकते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान के लोग इधर उधर मुंह मारते दिखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने पाकिस्तान के कॉर्प कमांडर के घर से मोर मुर्गी अंडे लूट कर भागते नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। अब सबसे मजेदार बात तो ये है कि भारत के लेफ्ट लिबरल गैंग को पाकिस्तान की ये मुसीबतें खुशियां नजर आ रही हैं। तभी तो लेली गैंग यानी कि लेफ्ट लिबरल गैंग ने पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स 108वें नंबर पर बताया है, और वहीं इंडिया 126 नंबर पर है। और इसी बीच पावर लिफ्टर मनोज सुरेंद्र पुनिया ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान में लोग कॉर्प कमांडर के घर से मोर मुर्गी अंडे लूट कर भाग रहे हैं, और हिंदुस्तान में लेली गैंग कहता है पाक हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई पाकिस्तान के लोग भारत से ज्यादा खुश हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।